हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक टुडे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टैली से रिलेटेड। टैली में मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका यूज़ करके आप बहुत सारे जो टास्क होते हैं जिसमें आपको काफ़ी समय लग जाता है कि आप वापस से बैक जाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो टाइम आपका जो वेस्ट होता है वो टाइम आपका बच जाएगा। और ये शॉर्टकट कीज अगर आप सीख जाते हो तो आप काफ़ी एक्सपर्ट हो जाओगे टैली में। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। सारे शॉर्टकट कीज़ को आप भी खुद लाइव इस्तेमाल करके देखें, यूज़ करके देखें। इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, कितनी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकें। ओके, जो टॉप बेस्ट शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा, ठीक है। कुछ शॉर्टकट कीज़ हो सकते हैं मान लो कि आप भी जानते हो, एंड कुछ ऐसे न्यू शॉर्टकट कीज़ है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। टैली में अगर आप गौर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपके आंखों के सामने दिए रहते हैं कलर से हाईलाइट करके, जैसे कि अकाउंट्स इन्फो। आप देख सकते हैं अकाउंट्स इन्फो का शॉर्टकट की है ए। क्यों ए है ये? क्योंकि रेड कलर से हाईलाइटेड है, आपको दिख रहा है। तो आप डायरेक्ट ए दबाओगे तो आपका अकाउंट्स इन्फो ओपन हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो का शॉर्टकट की है आई। अकाउंटिंग वाउचर का वी। इन्वेंट्री का टी। इम्पोर्ट का ओ। बैंकिंग का एन। बैलेंस शीट का बी। तो ये जो जो रेड कलर से हाईलाइट होता है वो आपका शॉर्टकट की होता है। अभी मान लीजिए कि आपने अकाउंट्स इन्फो में ए दबा दिया, ठीक है, अकाउंट्स इन्फो ए हो गया। अब मान लीजिए आपको लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर का क्या शॉर्टकट की एल। अब आपको क्रिएट करना है तो उसका क्या है सी। तो लेजर क्रिएशन का शॉर्टकट की क्या हो गया ए एल सी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब आपको ऐसे लेजर क्रिएट करने, ऐसे अकाउंट्स इन्फो में जाओ, ऐसे नीचे लेजर में जाओ, ऐसे क्रिएट ढूंढो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या प्रेस करना है ए एल सी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि लेजर क्रिएशन, ठीक है। लेजर क्रिएशन क्या प्रेस करना है आपको, इक्वल्स टू ए एल सी। ये आपका शॉर्टकट की हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप शॉर्टकट की खुद से क्रिएट कर सकते हो टैली में, ठीक है। जैसे कि इन्वेंट्री इन्फो में जाके स्टॉक आइटम का बनाना है तो इन्वेंट्री इन्फो का शॉर्टकट की क्या है, सबसे पहले आई, उसके बाद स्टॉक आइटम का वापस से आई एंड सी, यानी आई आई सी। तो आप ऐसे शॉर्टकट की खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम ऑफ कंपनी में एक कंपनी आ रही है आपकी। अब आपने एक ही कंपनी तो बनाई नहीं होगी, आपने मल्टीपल कंपनी बनाई होगी, तो मल्टीपल कंपनी के लिस्ट आपको यहाँ पे शो कराना है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आता है F1, वो आपको प्रेस करना है। तो आपको क्या प्रेस करना है यहाँ से F1। जैसे आप यहाँ पे F1 दबाओगे तो यहाँ से आपकी सारी कंपनी जो जो आपने क्रिएट की है वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अभी मान लीजिए यहाँ से आपको TDS ऑन सैलरी ये कंपनी शो करानी है वहाँ पे, तो उस पर एंटर कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि वो कंपनी खुल भी गई है और लिस्ट में भी आ गई है। कोई और कंपनी भी शो कराना है तो वापस से F1 दबाइए और F1 में यहाँ पे मान लीजिए आपने खोला ये TDS ऑन इनकम टैक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी लिस्ट आ चुकी है तीनों। ओके, समझ में आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो मल्टीपल कंपनीज इन लिस्ट, ठीक है। उसका क्या है आपको प्रेस करना है F1। F1 आप दबाएंगे तो आपकी जितनी भी मल्टीपल कंपनीज हैं वो आपको लिस्ट में शो हो जाएंगे। ओके, अब मान लीजिए ये तीन कंपनी आपको शो हो रही है। अब इसमें से यहाँ पे TDS इनकम टैक्स शो हो रहा है पर आपको TDS ऑन सैलरी की कंपनी ओपन करनी है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और वो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगी, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, ट्रेनिंग ओपन करना है, उस पर क्लिक कीजिए, ट्रेनिंग ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते दूसरे शॉर्टकट की तरफ। अब मान लीजिए यहाँ पे जितनी भी कंपनीज ओपन है इनमें से आपको बंद करने हैं कुछ कंपनी, सिर्फ एक ही कंपनी शो कराना है, बाकी सब धीरे धीरे आपको क्लोज करना है। तो उसके लिए आपको ऑल्ट F1 प्रेस करना है, जिसको बोलते हैं शट कंपनी। क्या प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस F1। ओके, तो जैसे आप ऑल्ट प्लस F1 दबाओगे तो टैली आपको पूछेगा कि कौन सी कंपनी आपको शट करनी है, कौन सी कंपनी आपको बंद करनी है। मैंने बोला TDS इनकम टैक्स की कंपनी बंद कर दो, तो इस पर आपको एंटर करना है तो वो बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं अब इनकम टैक्स की कंपनी यहाँ पे शो नहीं हो रही है।
आपको सिर्फ ट्रेनिंग शो कराना है, टीडर एंड सैलरी भी बंद करना, तो वापस आप ऑल्ट एफ1 दबाओ। ऑल्ट एफ1 दबाने के बाद टीडर एंड सैलरी पे क्लिक करो, एंटर करो, वो भी बंद हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या शो रहा है, खाली ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की क्या है वो आपका शट द कंपनी, ठीक है। अगर आपको कंपनी बंद करनी है वहाँ से लिस्ट से, तो आप क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस एफ1, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, वो है शॉर्टकट की कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम इन्वेंट्री इन्फो में गए, एक स्टॉक आइटम मुझे बनाना है। क्या बनाना है मुझे, एक स्टॉक आइटम। एक स्टॉक आइटम बनाने के लिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मुझे बनाना है जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा, एंटर किया। अब यूनिट्स ऑफ मेजर, यूनिट्स ऑफ मेजर आपको पता है क्या होता है कि वो कितने, क्या मतलब किस क्वांटिटी, किस यूनिट्स में ख़रीदा गया है। जैसे ग्राम होते हैं, केजी होते हैं, पीसेस होते हैं। मुझे यहाँ पे नॉस चाहिए, नंबर चाहिए, मतलब कि एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तो नॉस चाहिए मुझे। पर नॉस यहाँ पे है क्या, नहीं है। अब आप क्या करोगे, पीछे पीछे जाओगे, यूनिट्स ऑफ मेजर में जाओगे, फिर क्रिएट करोगे, बराबर। नहीं, देखिए इसका क्या है ना सॉल्यूशन, यहाँ पे आपने लिखा कंप्यूटर, ठीक है ना, एंटर किया, अब आपको यहाँ पे नॉस चाहिए, तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे ऑल्ट प्लस सी। क्या प्रेस करोगे आप, ऑल्ट प्लस सी। यहाँ पे देखिए आपने प्रेस किया ऑल्ट सी, जैसे आपने प्रेस किया आप उसी यूनिट क्रिएशन में डायरेक्टली पहुँच गए हो। आप देख सकते हो, अब आपने यहाँ पे लिखा पीसेस, और पीसेस ऑलरेडी बना हुआ है, चलिए इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। आप देख सकते हैं कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम, हमें नॉस बनाना है, ठीक है, नॉस बनाया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉस नंबर्स। मैंने बोला था ना एक नंबर दो नंबर, मतलब एक खरीदा है दो खरीदा है, तो इसलिए मैंने क्या बनाया नॉस, एंटर करके एक्सेप्ट किया, और आप देख सकते हैं कि वो नॉस यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो ऑल सी इज़ अ शॉर्टकट की टू क्रिएट डायरेक्टली एनीथिंग बाय स्टैंडिंग ओवर देयर, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, यहीं पे खड़े हो कि आपको डायरेक्टली क्रिएट करना है, तो आप क्या प्रेस करोगे ऑल सी, ठीक है। ऑल सी का ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप अकाउंटिंग वाउचर में गए, आपको एक बिल बनाना है, ठीक है। बिल बनाने के लिए आपने यहाँ पे लिखा पार्टी नेम। अब मान लीजिए कि आपको एक पार्टी का नाम बनाना था अनिकेत, अनिकेत नाम का आपको पार्टी बनाना था, पर आप वो भूल गए बनाना, तो आप यहाँ से क्या प्रेस करेंगे, वापस से आप प्रेस करेंगे ऑल प्लस सी। अब यहाँ पे आपने लिखा अनिकेत, संडे क्रेडिटर लिख दिया, ठीक है, एंटर किए, इसको यस किए, और यहाँ पे GST नंबर डाला, और इसको एक्सेप्ट कर लिया, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनिकेत आ चुका है। ऐसे ही समझे परचेज कर लीजिए बनाना है, तो भी आप क्या प्रेस करोगे ऑल प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द स्टॉक आइटम, ये सारे स्टॉक आइटम की लिस्ट आ रहे हैं। अब आपने बोला अरे जो मेन स्टॉक आइटम था तो आप क्रिएट ही करना भूल गए। जैसे कि आपको बॉटल्स का बनाना, जैसे एग्जांपल बॉटल्स, तो आप क्या करेंगे, वापस से स्टॉक आइटम में तो जाएंगे नहीं बनाने, आप यहाँ से क्या प्रेस कर देंगे ऑल्ट प्लस सी। तो आपने यहाँ पे प्रेस किया ऑल्ट प्लस सी, यहाँ पे आपने क्या लिखा बॉटल्स, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिख दिया पीसेस, और इसको यस किया, ये सारी चीज़ें आपने फिलअप कर दी। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो बॉटल्स आपका यहाँ पे शो हो जाएगा सी, है ना। तो कितना कमाल का ये शॉर्टकट की है ऑल्ट सी, जो डायरेक्टली आपके चीज़ें क्रिएट करता है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट स्टॉक आइटम पार्टी लेजर यूनिट्स ऑफ मेजर एक्सेट्रा बाय शॉर्टकट इक्वल्स टू ऑल्ट प्लस सी, ठीक है।
क्या है उसका शॉर्टकट की ऑल प्लस सी, ठीक है, समझ में आइए। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको एक बिल शो करता हूँ सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे आप एक बिल है मेरे पास क्रिएटेड, मैं वो ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये परचेज बिल मैंने ओपन किया। अब आपने बिल चेक किया, आपने बोला यहाँ पे मोहन मोहन ये सब सही है, आपने बोला जैसे कि ये स्टॉक आइटम, ठीक है ना, ये स्टॉक आइटम में आपने गलती से इस पर रेट डालना था 5% पर आपने डाल दिया 0.25%, समझ में आ रहा है आपको। मतलब ये जो स्टॉक आइटम पे इस पर GST रेट लगना चाहिए था 5% पर आपका कितना लग गया है 0.25, तो आपको इसके अंदर जाके चेंजेस करना है। तो आप क्या करते हो नॉर्मली, पीछे पीछे आओगे, पूरा पीछे आ जाओगे, इतना टाइम वेस्ट करेंगे आप, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, फिर अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद आप इसमें से वो कोहिनूर ढूंढोगे, ढूंढ के फिर आप इसके अंदर जाओगे, फिर आप यहाँ पे आके इसको 5% करोगे। इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर आपने किया, पर उससे भी शॉर्टकट की क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप उसी बिल में थे, उस बिल में आपको एंटर करने के बाद जब आप यहाँ पे एंटर करके कोहिनूर में आओगे, किस में, कोहिनूर, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एंटर। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एंटर। आप देखिए प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस एंटर और आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली उसी स्टॉक आइटम में आ चुके हैं सी। आपको पूरा पीछे पीछे जाने की जरूरत पड़ी क्या, नो। अब आप जाइए इसके अंदर जो चेंजेस करना आप आराम से कर सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है, सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि इस लेजर में आपने कुछ गड़बड़ की, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर, और आप देखिए उसी लेजर में चले जाएंगे, है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जैसे कि स्टॉक आइटम में मान लीजिए, ठीक है, ये स्टॉक आइटम में यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो ग्राम है या तो ये जो चीज़ एंड बटर जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया है, आपने बोला यार इसमें कुछ गड़बड़ है मुझे चेक करना पड़ेगा, तो स्टॉक कैटेगरी आप पीछे पीछे जाके तो जाओगे नहीं, क्या प्रेस करोगे आप, कंट्रोल प्लस एंटर, और आप उसी के अंदर पहुंच जाओगे। तो कंट्रोल प्लस एंटर से आप डायरेक्टली जहां पे आपको जाना है, जिस स्टॉक आइटम, जिस लेजर, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाना है, वहाँ पे आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो। ओके तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीच ऑन द सेलेक्टेड स्टॉक आइटम, उसके बाद कॉमा लेजर कॉमा कैटेगरी एक्सेट्रा बाय शॉर्टकट इक्वल्स टू कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। मैं आपको ये क्या उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर। ओके चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अभी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ से एक सेल्स बिल मैंने ओपन किया, जब हम सेल्स बिल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप एंटर करें, तो यहाँ पे देखिए डिस्पैच डिटेल्स आते हैं, इतना बड़ा डिटेल्स, आपको क्या प्रेस करना था, एंटर 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 करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो आपको ये स्क्रीन एक्सेप्ट कराने के लिए कितने एंटर प्रेस करने पड़े, बराबर। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए दबा दीजिए, क्या दबाएंगे आप, कंट्रोल प्लस ए, आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सेप्ट हो गया। देखिए मैं वापस दिखाता हूँ, ये स्क्रीन है, अभी देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस ए, और जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस ए दबाया वो स्क्रीन एक्सेप्ट हो गया। आपको एंटर एंटर प्रेस करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, यहाँ पे भी आपने एंटर किया। अब मान लीजिए ये स्क्रीन में आपको पता है कि सारी चीज़ करेक्ट है, तो यहाँ पे भी आपको एंटर एंटर करने की जरूरत नहीं, आप क्या प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल प्लस ए, और वो स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी। एंटर एंटर कीजिए, एंटर एंटर, और देखिए अब यहाँ पे भी आप एंटर एंटर प्रेस करें, आपको पता है कि पूरा बिल आपका करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो डायरेक्टली ये बिल को एक्सेप्ट कराने के लिए आप क्या प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल प्लस ए, और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन एक्सेप्ट हो गई, है ना। तो ये भी लिख देता हूँ मैं, टू एक्सेप्ट द स्क्रीन
इक्वल्स टू सी टी आर एल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट शॉर्टकट की, अभी मान लीजिए कि आपने जितना भी बिल बनाया है टैली में वो सारे बिल आपको एक साथ दिखने, तो उसका शॉर्टकट की है DSS, मतलब आपको लिस्ट चाहिए क्या क्या आपने बनाया, कितना बनाया, तो आपको उसके लिए प्रेस करना है DSS। DSS क्यों, देखिए D फॉर डिस्प्ले होता है, उसके बाद S फॉर होता है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट के बाद S फॉर अगेन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, तो इसलिए वो क्या हो गया DSS। अब यहाँ पे जितनी एंट्री आपने बनाई हो सारी आपको शो हो गया, आप देखिए कॉन्ट्रा, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने परचेज की दो एंट्री की है, सेल्स की दो एंट्री की है, जर्नल जीरो, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, सेल्स ऑर्डर, सारी आपकी जीरो जीरो एंट्री सब कुछ दिखाएगा। आपने यहाँ पे देखिए टैक्स अकाउंट में ग्रुप्स कितना बनाया, लेजर कितना बनाया है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स ऑफ मेजर, करेंसी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, है ना। कितनी अच्छी चीज़ है ये, इसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा कि क्या चीज़ आपने कितना क्रिएट किया है, समझ में आया आपको। और जब आप उस पर एंटर करोगे तो वो आपको ये भी बताएगा कि कौन से मंथ में वो बिल क्रिएट किया गया है, जैसे कि जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए डेट दिखाएगा, है ना। इवन आप यहाँ पे आपको डेट के अंदर भी एंट्री दिखाएगी, अप्रैल में क्या है तो अप्रैल में एंट्री दिखाएगी, मार्च, फेब, जनवरी, नवंबर, जो मंथ में आप करोगे वो मंथ में आपको एंट्री वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू चेक ऑल एंट्रीज डेट और मंथ वाइज, ठीक है, इक्वल्स टू DSS, क्या इसका शॉर्टकट की DSS। तो DSS से आप सारी एंट्रीज डेट और मंथ वाइज शो करवा सकते हो, ओके, समझ में आया ये शॉर्टकट की। अभी जो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है टैली में कैलकुलेटर। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि टैली में कैलकुलेटर का ऑप्शन भी होता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एन कैलकुलेटर, तो आपको क्या प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। और जैसे आप कंट्रोल प्लस एन ओपन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो कैलसी है, ठीक है ठीक है, वो ओपन होकर आपको शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपने कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पे जो आपको कैलकुलेशन करना आप कर सकते हैं, टैली में हो सकता है कि कभी कभार आपको बिल में कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए आपको कोई अलग से कैलकुलेटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, टैली खुद आपको एक कैलकुलेटर का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन करना आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिखा जो भी आपको लिखना है, आपने एंटर किया तो वो चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ओके। अब अगर इसको आपको बंद करना है तो आप कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मैट, अगर आप कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे तो अपने आप क्लोज हो जाएगा, और वापस से ओपन करना है तो आपको कंट्रोल प्लस एन दबाना है, एन से वो वापस से ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ कैल, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, ओके, कंट्रोल प्लस एन से आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ओके ओके। द और ये वीडियो का जो लास्ट शॉर्टकट की जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि आपने जो कंपनी बनाई है ट्रेनिंग, इस कंपनी के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने, जैसे कि आपको पासवर्ड निकालना है, पासवर्ड चेंज करना है, नाम को चेंज करना है, या एड्रेस चेंज करना है, फ़ोन नंबर, कुछ भी आपको चेंजेस करना है, तो आपको आपकी कंपनी सबसे पहले ओपन करके रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी ओपन है, उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट प्लस एफ थ्री, ठीक है, आपको क्या प्रेस करना है ऑल्ट प्लस एफ थ्री, ऑल्ट प्लस एफ थ्री प्रेस करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे अल्टर, अल्टर में चले जाने के बाद यहाँ पे जैसे आप अल्टर में जाओगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सी कंपनी में चेंजेस करना है, तो आपको वो कंपनी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आप देखोगे कि वो ट्रेनिंग कंपनी खुल चुकी है, इसके अंदर आपको जो चेंजेस करना है आप आराम से चेंजेस कर सकते हो। और इसके बाद जब आप एक्सेस, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग को चेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया लेक्चर्स, और एंटर करके जब मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वही कंपनी का नाम शो हो जाएगा। सी यहाँ पे क्या लिख क्या रहा लेक्चर्स, तो वापस बता देता हूँ मैं आपको, प्रेस करना ऑल्ट प्लस एफ थ्री,
उसके बाद आपको जाना है अल्टर और वो उस पर एंटर करना है. ओके मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ चेंजेस इन कंपनी इन्फो. ठीक है आपको अगर कुछ चेंजेस करना है कंपनी इन्फो में तो आपको पहले प्रेस करना है ऑल्ट प्लस एफ थ्री देन गो टू अल्टर देन प्रेस एंटर. ओके समझ में आपको ये. तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज थे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के जिसके बारे में मुझे आपको आज जानकारी देनी थी. तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकें. ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज थैंक यू सो मच.